हाय एवरीवन, मैं नवनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे बीटरूट पैनकेक, इन्हें पिंक पैनकेक भी बोला जाता है। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और आप इन्हें सुबह के ब्रेकफास्ट में या शाम के नाश्ते में बनाकर सर्व कर सकते हैं या फिर लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। पैनकेक बनाने के लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज की बीटरूट। तो इसे मैंने साफ करके और रफली चॉप करके लिया है और अब पहले हम इसकी प्यूरी बनाएंगे। तो इसके लिए एक सॉस पैन लेंगे और इसमें बीटरूट डाल देंगे और इसमें आधा कप पानी डालकर इसे मीडियम हीट पर 7 से 8 मिनट तक बॉईल होने के लिए रख देंगे। बीटरूट को बॉईल होते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसे कुछ देर तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए तो इन्हें मिक्सर जार में डाल देंगे और इसमें थोड़ा पानी कम लग रहा है तो थोड़ा पानी डालेंगे। आप पानी की जगह थोड़ा दूध भी ले सकते हैं। अब इसे ग्राइंड कर इसकी प्यूरी बना लेंगे और ये हमारी एकदम फाइन प्यूरी रेडी हो गई है। अगर आपको लगे कि ये ठीक से ग्राइंड नहीं हुई है तो आप इसे जो जूस छानने वाली छलनी होती है उससे छान कर ले सकते हैं। और अब हम पैनकेक के लिए बैटर रेडी करेंगे। तो एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा, 1/3 कप पाउडर शुगर, 2 बड़े चम्मच बटर लेंगे। तो बटर को मैंने मेल्ट करके लिया है। 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस लेंगे। बीटरूट की प्यूरी जो हमने अभी बनाई थी वो भी इसमें डाल देंगे। 3/4 कप दूध लेंगे और इसमें से थोड़ा सा दूध डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। दूध को हमें थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बार करके ऐड करना है, इससे बैटर में लम्स नहीं बनेंगे। और इस रेसिपी को और भी ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए आप मैदा की जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। और ये हमारा एकदम स्मूथ बैटर रेडी हो गया है। और अब हम पैनकेक बनाएंगे। तो इसके लिए एक नॉनस्टिक पैन लेंगे। अब इसमें थोड़ा बटर या फिर ऑयल डालकर इसे ग्रीस कर लेंगे और पैन को हमें मीडियम गर्म करना है। मैं ये पैनकेक 1/4 कप के मेजरमेंट से बना रही हूँ। आप चाहें तो इस तरह की जो बड़ी चम्मच होती है वो भी ले सकते हैं। इससे हमारे सारे पैनकेक सेम साइज के बनेंगे। अब 1/4 कप बैटर पैन के सेंटर में पोर करेंगे। इसे फैलाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही शेप ले लेता है। और अब इसे मीडियम हीट पर 2 मिनट तक सिकने देंगे। 2 मिनट के बाद इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी 1 से 1.5 मिनट तक सेक लेंगे। पैनकेक को बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये तुरंत ही बन जाते हैं। तो ये दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक गया है। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। एक पैनकेक और बनाएंगे और हर बार पैन को ग्रीस करने की जरूरत नहीं है। इन्हें आप अपनी पसंद से थोड़े छोटे या बड़े साइज में बना सकते हैं। और ये पैनकेक देखने में इतने कलरफुल होते हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करता है। तो ये दूसरा भी बन गया है। अब सेम वे से बाकी के सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये हमारे सारे पैनकेक बनकर तैयार हो गए हैं। इसके ऊपर कुछ बनाना के स्लाइस लगाएंगे या फिर आप इसे कोई भी सीजनल फ्रूट के साथ में सर्व कर सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा पाउडर शुगर डस्ट करेंगे। हनी के बगैर पैनकेक इनकम्प्लीट होता है, तो थोड़ा हनी पोर करेंगे। आप चाहें तो चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। और ये हमारे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, सॉफ्ट एंड स्पंजी पैनकेक सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आप भी इस हेल्दी सी रेसिपी को ट्राई करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।